अब आपका दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। योज्य प्रतिलोम समझ गए। योज्य प्रतिलोम क्या होगा कि अगर किसी के साथ में प्लस धनात्मक चिन्ह लगा रहा है तो उसके सामने अपन ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे, और जिसके ऋणात्मक चिन्ह लगा रखा है उसको हटा देंगे, और जिनके दो ऋणात्मक चिन्ह लगेंगे उसके एक कर देंगे। यानी कि अपने को चिन्ह कम करने हैं। मैं आपके सामने करके बताता हूँ। जैसे पहला मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ कि पहले का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो पहले का आंसर आप जैसे देखेंगे 2/8 लिखा हुआ है, तो इसको कर देंगे अपन -2/8, यानी कि माइनस का 2/8 हो जाएगा। और ये 5/9 यानी कि 5/9 लिखा है, तो ये प्लस का 5/9 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 6 और माइनस का 5, तो यहाँ पे एक रखेंगे माइनस का, तो क्या करेंगे, एक माइनस का 6/5 कर देंगे। यहाँ पे माइनस का 2/9 लिखा है, तो अपन सिंपल इसका 2/9 लिख देंगे। फिर यहाँ पे 19/6 लिखा है, तो अपन कर देंगे 19/6 सिंपल कर देंगे, और ये माइनस का चिन्ह हटा देंगे। काफ़ी सिंपल है। योज्य प्रतिलोम होता है यानी कि इसका जो चिन्ह लग रहा है उसका उल्टा चिन्ह लगाना आपको। जो चिन्ह इनके सामने, जैसे इसके प्लस का लग रहा था तो आपको माइनस का लगाना है, बस इसमें से ये करना है। अब